हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। एंड इन सीसेट प्रीवियस ईयर सीरीज टुडे वी विल डिस्कस द पजल्स आस्क्ड इन 2017। यस, 2016 की पजल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 2017 के अंदर जो जो पजल्स एग्जाम में आई हुई थी उनको डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। यस, देखिए क्या है आपके पास। फर्स्ट पजल है, मैंने आपको पहले भी बताया लास्ट क्लास के अंदर भी, जब भी आप पजल सॉल्व करते हो तो उस टाइम पे हमने कैसे करना है पजल को, कि जो मेन इंस्ट्रक्शन है सबसे पहले हमने उसको रीड करना है। इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के बाद में, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पजल को आप पहले रीड करोगे फिर उसके बाद में फिर आप पजल स्टार्ट करोगे कि हाँ जी मैंने पजल बनानी है, अब उसके बाद में फिर आप उसको बार बार रीड करोगे, ऐसा नहीं करना। बस थोड़ा सा हमने स्टार्टिंग से थोड़ा सा ही रीड करके ये पता करना है कि जो हमारी पजल है वो किस पे बेस्ड है। टू वेरिएबल पजल है, ठीक है, फ्लोर पजल है, बॉक्स पजल है, शेड्यूलिंग पजल है, कैसी पजल है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पजल को स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में जो जो भी इंफॉर्मेशन हमें डायरेक्ट मिलती है पजल से, सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को आप पुट करते हुए चलोगे। उसके बाद में जो इंफॉर्मेशन अदर है जो आप डायरेक्टली नहीं पुट कर सकते, उसको हम साइड में नोट डाउन कर लेंगे, सो दैट कि दोबारा से उस इंफॉर्मेशन को पढ़ने के लिए आपको पूरा का पूरा पजल दोबारा से ना रीड करना पड़े। ओके, तो देखिए अभी पहले स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट पजल से। क्या है आपके पास, कह रहे हैं कि ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी आर लेक्चरर्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज। लेक्चरर हैं हमारे पास में, देर आर सेवन पर्सन्स और वो क्या है, डिफरेंट सिटी से हैं। तो एक तो नेम हो गया, एक उनका सिटी हो गया। अब सिटीज़ भी गिवन है आपके पास, हैदराबाद, दिल्ली, सीलोंग, कानपुर, चेन्नई, मुंबई एंड श्रीनगर। अब साथ में गिवन है नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर हु पार्टिसिपेटेड इन ए कॉन्फ्रेंस। ओके, ईच वन ऑफ देम स्पेशलाइज्ड इन डिफरेंट सब्जेक्ट। और क्या गिवन है, उनके सब्जेक्ट गिवन है जिसमें वो स्पेशलाइज्ड हैं, एंड दीज सब्जेक्ट्स आर इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक। ओके, अब उसके बाद में इंफॉर्मेशन आगे फर्दर गिवन है। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि टोटल 7% है, 7% के लिए अलग अलग सिटी से वो बिलोंग करे और अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर उनकी स्पेशलाइजेशन है। दैट मीन्स दिस इज ए 3-वेरिएबल पजल एंड वी विल सोल्व दिस पजल बाई यूजिंग ए टेबल। ओके, टेबल हम बना के चलेंगे। तो टेबल के अंदर हम क्या क्या रखेंगे, एक तो हम रखेंगे नेम, ठीक है जी, दूसरा हम रखेंगे उसका सिटी, और तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट। ओके, लाइक दिस, डन। अब देखिए आगे फर्दर हमने इंफॉर्मेशन को कैसे पुट करना है। यहाँ पे देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, लेक्चरर फ्रॉम कानपुर इज स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी, ये है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, अब यहाँ पे कोई सीरियल तो मेंशन है नहीं कि हाँ जी पहले जैसे जनवरी फरवरी इकट्ठे आते भी सीरियल वाइज ही आएगा, या संडे मंडे है, या कोई डेट गिवन है, सिंपल आपके पास में नेम गिवन है। तो आप किसी भी एक वेरिएबल को सीरियल वाइज लगा सकते हो, ठीक है ना। तो सीरियल वाइज हम यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ को सीरियल वाइज लगा लेते हैं। सबसे पहले सी डी ई एफ एंड जी। ओके, अब देखिए कह रहे कि लेक्चरर फ्रॉम कानपुर इज स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी, जो कानपुर से है, ठीक है, वो स्पेशलाइज्ड किसके अंदर है, ज्योग्राफी के अंदर। अब मुझे नहीं पता कि हाँ जी ए बी सी डी ई एफ जी एच में से कौन कानपुर से और कौन ज्योग्राफी के अंदर स्पेशलाइज्ड होगा, तो हमने उसको साइड में नोट डाउन कर लिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज लेक्चरर डी इज फ्रॉम शिलोंग, लेक्चरर डी इज फ्रॉम शिलोंग, तो ये शिलोंग से बिलोंग करता है, तो डी के लिए हम इसको डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, हमने इसको यहाँ पे पुट कर लिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज लेक्चरर सी इज फ्रॉम दिल्ली, सी इज फ्रॉम दिल्ली, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, दिल्ली से है। और साथ में क्या गिवन है, स्पेशलाइज्ड इन सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी के अंदर वो स्पेशलाइज्ड है, तो यहाँ पे इसको भी हमने मेंशन कर लिया है। ओके, नेक्स्ट है लेक्चरर बी इज स्पेशलाइज्ड इज नीदर हिस्ट्री नोर मैथमेटिक्स, जो बी है, अब यहाँ पे ये नहीं बताया कि किसमें स्पेशलाइज है, इसमें कहा है किसमें स्पेशलाइज्ड नहीं है। दैट मीन्स कि इसके लिए क्या क्या नहीं आ सकता, हिस्ट्री नहीं आ सकता, मैथमेटिक्स नहीं आ सकता, किसके लिए, बी के लिए। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि भाई यहाँ पे हिस्ट्री नहीं आएगा, ठीक है, और यहाँ पे मैथमेटिक्स भी नहीं आएगा, दोनों को मैंने कैंसिल आउट कर दिया, डन, पॉइंट इज क्लियर। अब आगे है आपके पास लेक्चरर ए हु इज स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स, लेक्चरर ए हु इज स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स, दैट मीन्स कि यहाँ पे तो इकोनॉमिक्स कन्फर्म है अपना, ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू हैदराबाद, ये हैदराबाद से बिलोंग नहीं करता,
डन, जहाँ पे कह रहा है कि नहीं करता वहाँ पे उसको क्रॉस कर दो आप। उसके बाद में है लेक्चरर एफ हु इज स्पेशलाइज्ड इन कॉमर्स, लेक्चरर एफ हु इज स्पेशलाइज्ड इन कॉमर्स, यस कॉमर्स बिलोंग्स टू श्रीनगर, ये श्रीनगर से बिलोंग करता है। देन लेक्चरर जी हु इज स्पेशलाइज्ड इन स्टैटिस्टिक, लेक्चरर जी जो कि स्टैटिस्टिक के अंदर स्पेशलाइज्ड है बिलोंग्स टू चेन्नई। ओके, अब देखो जो जो इंफॉर्मेशन थी वो हमने एज इट इज पुट कर दी। अब हम आते हैं कि जो हमारे पास में अदर इंफॉर्मेशन थी उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे अपने पास में क्या है कि कानपुर से जो पर्सन बिलोंग करता है उसका क्या है स्पेशलाइजेशन, ज्योग्राफी है। ठीक है, अब ज्योग्राफी है तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मान लो मैं मेरे पास ऐसा जो प्लेस है जिसमें ये दोनों के लिए स्पेस खाली, या तो बी के लिए है ठीक है या फिर ई के लिए है, बी के लिए है या फिर ई के लिए है। तो अगर मान लो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे मैं कानपुर पुट कर देती हूँ ठीक है, और यहाँ पे मैं ज्योग्राफी पुट कर देती हूँ। एक बार समझिए ध्यान से, वैसे ये यहाँ नहीं आएगा पर समझो, समझाने के लिए बता रही। यहाँ पे मैंने कानपुर लिख दिया और यहाँ पे मैंने ज्योग्राफी लिख दिया, तो मेरे पास सिर्फ दो ही सब्जेक्ट बचेंगे, कौन से, एक हिस्ट्री और एक मैथमेटिक्स। तो एक हिस्ट्री यहाँ पे आएगा या फिर मैथमेटिक्स यहाँ पे आएगा। और इसने क्या कहा कि बी के लिए हिस्ट्री और मैथमेटिक्स तो है ही नहीं स्पेशलाइजेशन, दैट मीन्स कि ये यहाँ पे नहीं आ सकता, तो ये कहाँ पे आएगा आपके पास में। यस, पॉइंट क्लियर हो गया, कैसे पुट करके देखेंगे हम। दैट मीन्स बट कि ये जो बी है वो कानपुर से है और इसकी स्पेशलाइजेशन क्या है, ज्योग्राफी है। डन, अगर ज्योग्राफी है तो ये हो गया, यहाँ पे हिस्ट्री और मैथमेटिक्स नहीं आ सकता। जब हिस्ट्री और मैथमेटिक्स यहाँ पे नहीं आ सकता तो हिस्ट्री या तो यहाँ पे आएगा ठीक है, तो यहाँ पे ज्योग्राफी आ जाएगा, या फिर यहाँ पे ज्योग्राफी आएगा तो यहाँ पे हिस्ट्री आ जाएगा, क्योंकि अदर इंफॉर्मेशन तो गिवन नहीं है। ठीक है, अदर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। अब आते हैं हम सिटी पे। अब सिटी में इसने कहा है कि जो ए है वो हैदराबाद से बिलोंग नहीं करता, हैदराबाद से अगर ए नहीं करता तो फिर कौन रह गया अपने पास में, ई रह गया, तो ई कहां से आ जाएगा आपके पास में, हैदराबाद से। ओके, अब जो सिटी बच गया वो आपका यहां पे आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास में अभी कौन सा सिटी रह गया है, हाँ जी अब ये आपके पास में सारे सिटी थे, तो हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गया, शिलोंग हो गया, कानपुर हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई रह गया ठीक है ना, तो मुंबई आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो पजल इज सॉल्व, क्लियर है बिल्कुल। क्या किया हमने, जो जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन है उसको हम डायरेक्टली पुट करते हुए चले। अब देखो हमें बार बार उसको रीड करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली पुट नहीं भी हो रही थी तो उसको भी हमने साइड में मेंशन कर दिया था। ठीक है, जैसे इसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया था, फिर हमने यहाँ पे जैसे था कि जो बी है बी के लिए हिस्ट्री जियोग्राफी नहीं है तो उसको भी हमने साथ में मेंशन कर लिया। तो जहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन अपने पास में आ रही थी उसको हम नोट डाउन करते हुए चले। तो अगर आप इस तरह से करोगे तो पजल बहुत ईजिली आप सॉल्व करोगे। क्या है कि पजल एक अपने माइंड में ये लगा लीजिए पजल का भूत होता है कि हाँ जी हमसे सॉल्व नहीं होती पजल, बट ऐसा नहीं है। अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से पजल्स को करते हो तो पजल्स बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, चलो तो फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। यही सेम पजल है जो हमने सॉल्व करी है, अब इस पे क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के अंदर स्पेशलाइज्ड कौन है। तो देखिए ज्योग्राफी कहाँ पे है हमारे पास में, ये ज्योग्राफी है, एंड ज्योग्राफी के अंदर कौन स्पेशलाइज्ड है, बी जो कि कानपुर से बिलोंग करता है। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, द पर्सन इज बी। ओके, यस, नेक्स्ट इज टू विच सिटी डज द लेक्चरर स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स बिलोंग्स, इकोनॉमिक्स से जो बिलोंग कर, इकोनॉमिक्स जिसकी स्पेशलाइजेशन है ठीक है, वो कौन सी सिटी से बिलोंग कर रहा है। तो कौन सी सिटी से बिलोंग कर रहा है, वो मुंबई से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स आंसर विल बी मुंबई। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, यस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू हैदराबाद, हैदराबाद से कौन बिलोंग कर रहा है। तो हैदराबाद से हमने देखा हैदराबाद से कौन बिलोंग कर रहा है, ई बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स की ई विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ओके, क्लियर है, हाँ जी, किसी को कोई भी अगर डाउट आता है देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इवन सिर्फ इस क्वेश्चन में ही नहीं, और भी अगर आपकी फर्दर कोई भी क्यूरी है सी सेट से रिलेटेड, यस सी सेट के एग्जाम से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी है देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। यस,
ओके और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आपको जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पे आप हमारे पोर्टल पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ओके यस, हाँ जी, पजल क्लियर है सभी को? यस। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पजल है आप लोगों की स्क्रीन पे, क्या है? इन ए स्कूल देयर आर फाइव टीचर्स, देयर आर फाइव टीचर्स ए बी सी डी एंड ई। ओके, ए एंड बी टीच हिंदी। अब ये यहाँ पे इनका नेम है और यहाँ पे इनके सब्जेक्ट्स गिवन है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स वो टीच करवाते हैं। अब देखिए क्या है, कह रहा है कि सब ए एंड बी टीच हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश कौन करवा रहा है? ए और बी, ए है ये और ये बी है। कौन कौन से सब्जेक्ट है इसके लिए? हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी ए के लिए भी है और बी का लिए भी है, तो बी के लिए भी सेम हम रखेंगे यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट इज गिवन सी एंड बी टीच इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। सी एंड बी टीच इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। ओके, अब बी के लिए इंग्लिश तो पहले ही ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, तो ज्योग्राफी और ऐड हो गया उसके लिए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ज्योग्राफी। डन। उसके बाद में आपके पास डी एंड ए टीच मैथमेटिक्स एंड हिंदी। डी एंड ए टीच मैथमेटिक्स एंड हिंदी, तो डी के लिए एक सब्जेक्ट है क्या? मैथ्स, और दूसरा क्या है आपके पास में? हिंदी। और सेम है आपके ए के लिए, अब ए के लिए हिंदी हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, रह गया क्या? मैथ्स। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मैथ्स। ओके, नेक्स्ट इज ई एंड बी टीच हिस्ट्री एंड फ्रेंच। ई एंड बी, अब ई ये है, क्या टीच कर रहा हो? हिस्ट्री एंड फ्रेंच। सो देयर विल बी हिस्ट्री एंड द सेकेंड सब्जेक्ट इज फ्रेंच। ओके, अब एक तो ई है और सेकेंड पर्सन इज बी, दैट मीन्स कि बी के लिए भी हिस्ट्री और फ्रेंच आ जाएगा, तो बी के लिए भी क्या आ गया हमारे पास? हिस्ट्री एंड फ्रेंच। ओके क्लियर। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, हु टीचेस मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट, सबसे ज्यादा सब्जेक्ट कौन टीच कर रहा है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बी है, बी सबसे ज्यादा सब्जेक्ट टीच कर रहा है, देयर आर टोटल फाइव सब्जेक्ट्स फॉर बी। ओके, सो आंसर विल बी बी। हाँ जी, क्लियर? यस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पजल है स्क्रीन पे, देखिए क्या है, ध्यान से समझेंगे क्या है। कह रहा है एट रेलवे स्टेशंस ए बी सी डी ई एफ जी आर कनेक्टेड इधर बाय टू वे पैसेंजर और वन वे पैसेंजर। यस, क्या कह रहा है कि स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, ठीक है? तो ये कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी आर कनेक्टेड इधर टू वे पैसेंजर और वन वे। क्या कह रहा है? या तो वन वे है या फिर टू वे है। ओके, अब देखते हैं क्या क्या गिवन है आपके पास। वन वे पैसेंजर्स, सॉरी पैसेंजर नहीं, दिस इज पैसेज, रास्ते की बात हो रही है, ठीक है ना? तो वन वे पैसेज आर फ्रॉम सी टू ए, सी टू ए, ई टू जी। जैसे जैसे आपके पास में गिवन है इंफॉर्मेशन, हम उसको वैसे ही राइट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है? बी टू एफ, डी टू एच, सी टू डी टू एच, जी टू सी, जी टू सी, ई टू सी एंड एच टू जी। ओके, देन टू वे पैसेजेस आर बिटवीन, टू वे पैसेजेस कौन से हैं आपके पास में? ए टू ई, दैट मीन्स कि दोनों साइड आ जा सकते हैं हम, ठीक है? जी टू बी, देन एफ टू डी एंड ई टू डी। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है हमारे पास कि अगर मान लो एक पर्सन ने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसके लिए रास्ता क्या बनता है? ये वन वे है, दैट मीन सी से ए हम जा सकते हैं, ए से सी नहीं जा सकते। ओके, बट जब टू वे है, दैट मीन्स कि ए से ई भी जा सकते हैं और ई से ए भी जा सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, नाउ कम ऑन द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस देखते हैं अब इसके ऊपर। यही है जो मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन लिखी थी, सारी मैंने टेबल की फॉर्मेट में यहाँ पे लिख दी है। अब आगे देखिए क्या है, कह रहा है व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम सी टू एच, सी से मुझे कहाँ पे जाना है? एच जाना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन मस्ट बी पास्ड थ्रू,
तो अब हमें ये देखना है सी से एच हम कैसे पहुंचेंगे। अब देखो सी से सी ये है, ठीक है, और एच के लिए ये है हमारे पास में। अगर हमें एच पे जाना है तो सी से पहले कहाँ पे जाएंगे हम, सी से ए जाना पड़ेगा। सबसे पहले सी से ए जाना पड़ेगा। अब ए पे अगर हम पहुंच गए हैं तो अब ए के लिए आगे रास्ता देखना है हमने। ए से हम कहाँ जा सकते हैं, कोई रास्ता नहीं है, यही रास्ता एक। तो ए से हम कहाँ जा सकते हैं, ई पे जा सकते हैं, डन। ए से ई, अब उसके बाद में ई से देखो आप कहाँ जा सकते हो, ई से ये है, ई से कहाँ जा सकते हैं हम, डी, क्योंकि डी से ही एच पहुंचेंगे ना। तो ई से हमने कहाँ गए, हम डी पे गए, और डी से हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, एच। ओके, क्लियर। तो अब अपने पास में क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि विच ऑफ द व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम सी टू एच विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन मस्ट बी पास्ड थ्रू, कहता कौन कौन सा आएगा। तो ये स्टेशन आएंगे, देख लेते हैं। अब ऑप्शन में क्या है, जी, देखो जी तो नहीं आया, ई, ई आ रहा है बिल्कुल, बी नहीं है, एफ नहीं है, दैट मीन्स की ऑप्शन बी द स्टेशन ई विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, क्लियर सभी को, ओके, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, यस। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने फ्री वार्म अप कोर्स को नहीं रजिस्टर किया वो रजिस्टर कर लीजिए, इससे आपको क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर मिल जाएंगे विद टेस्ट एंड PDF, यस, ओके। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है सभी को, सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास में क्या है, यस, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन ए ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम एफ टू ए, एफ से कहाँ पे जाना है, ए पे जाना है, विदाउट पासिंग थ्रू एनी स्टेशन मोर देन वंस, एक बार से दोबारा नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, एक ही स्टेशन दोबारा से नहीं आना चाहिए, ये कह रहा है। तो एफ से ए जाना है, तो देखो पहले एफ देखते हैं कहाँ पे है। अब एफ यहाँ से तो है नहीं, ये है, ठीक है। तो पहला जो रूट बनता है हमारे पास में वो क्या बन रहा है, एफ से डी जाएगा, ठीक है जी। अब डी से कहाँ पे जाएगा, वो डी से देखो आप, डी से हमारे पास में कौन सा रूट है, डी ये है, डी से कहाँ जाएगा, एच। अब देखो एच, एच से देखिए हमारे पास में रूट क्या है, ये है, एच से जी। अब जी, जी से कहाँ पे जाएगा, जी से अपने पास में हमें कहाँ पे जाना है, ए पे जाना है, ए पे जाना है, दैट मीन्स कि मुझे सी तक पहुँचना है, सी तक पहुँचेंगे तभी हम ए पे जाएंगे। तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे एच से क्या जा रहा है, जी। अब जी से कहाँ जाएगा, तो जी से अगर हम देखें तो जी से हमारे पास में कहाँ पे है, सी जा सकता है, ठीक है, और सी से फिर कहाँ पे जाएगा, ए। एक तो रूट ये बन गया। अब यहाँ से देखो एच से जी, अब ये जी से बी भी तो जा सकता था, ठीक है, हाँ जी, जी से अपने पास में बी जा सकता था, बट अगर हम बी पे जाके फिर हमारे पास में आगे का रूट नहीं बन रहा, देखो बी से फिर हो जाएगा एफ, और एफ से डी, फिर डी से फिर दोबारा से रिपीटेशन शुरू हो जाएगी। पॉइंट क्लियर है कि हमने यही क्यों लिया। अब आते हैं कि कोई दूसरा रूट भी बनता है, तो दूसरा रूट अगर मैं देखूं, हाँ जी, एफ, एफ से हमारे पास में जा रहा है डी, ठीक है, डी, डी के बाद में हम कहाँ जा सकते हैं, हाँ जी, देखो ये है डी, ठीक है, डी से हम पहले गए थे कहाँ पे, एच पे, डी से हम पहले कहाँ पे गए थे, एच पे गए थे, ठीक है, और हम डी से कहाँ पे जा सकते हैं, यस, अगर हम डी से बात करें तो डी से हम डायरेक्ट ई पे भी तो जा सकते हैं, क्योंकि ये तो बोथ वे रूट है ना, इधर भी जा सकते हो आप, इधर भी जा सकते हो, दोनों साइड जा सकते हो, तो हम ये वाला रूट भी तो ले सकते हैं, डन। तो क्या आ जाएगा आपके पास में, डी से जाएगा ई, और ई से सीधा हमें पता है कहाँ जा सकते हैं हम, सी, और सी से कहाँ पहुँच जाएगा, ए। फाइनली तो ए पे पहुँचने के लिए आपको यहीं पे पहुँचना है, डन। अगर हम और देखते हैं क्या और भी रूट बनता है, और रूट देखिए, एफ, एफ से जा रहे हैं हम, एफ से गए हम सीधे कहाँ पे, डी पे, डी से गए हम ई पे, हाँ जी, डी, डी से गए हम कहाँ पे, ई पे, और ई से हम कहाँ पे गए, सीधा ए पे। अब देखो यहाँ पे सी पे जाने की जरूरत ही नहीं है, जब ये रूट हमारे पास में टू वे रूट है, तो देखो हमने पहले क्या मोड चूज किया इसके अंदर, भाई सी से हम पहले सी पे चले जाते हैं और सी से फिर ए पे जाएंगे, एक दूसरा भी तो एक जब टू वे रोड है तो हम यहां से डायरेक्टली भी तो जा सकते हैं, डन। फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या बनेगा, हम एफ से जाएंगे कहां पे,
डी पे अभी भी गए हम, उसके बाद ई पे चले गए, और ई के बाद में हम कहाँ पे जा सकते हैं? ई से जी पे भी तो जा सकते हैं। हाँ जी देखिए, ई से जी पे भी तो जा सकते हैं, ये वाला रूट भी ले सकते हैं। तो ई से हम कहाँ जा सकते हैं? जी पे, और जी के बाद हमारे पास सीधा रूट यही है सी और फिर ए। ओके क्लियर। तो टोटल कितने हमारे पास में डिफरेंट वेज बन रहे हैं? फोर वेज बन रहे हैं। सो आंसर विल बी इक्वल ऑप्शन डी, दे आर टोटल फोर वेज। और हम इसके अंदर देखो कोई भी दोबारा से रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी स्टेशन। डन। ओके सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रूट बिटवीन जी एंड सी इज क्लोज्ड, अगर जी और सी का रूट क्लोज कर देते, ये वाला जो रूट है इसको हमने क्लोज कर दिया, डन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन नीड नॉट बी पास्ड थ्रू व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम एच टू सी। करें कि तो एच से सी पे कैसे जाएंगे, पहले हमने ये देखना है, एच से हमने जाना है सी पे, ठीक है। तो अब एच देखिए कहाँ पे है, एच से सी जाएंगे तो पहले यहाँ पे आएंगे, ये है एच से कहाँ जाना पड़ेगा आपको, जी पे जाना पड़ेगा। तो एच से कहाँ पे गए आप? जी पे। अब जी से देखिए, जी से हम कहाँ जा सकते हैं? जी से हम जा सकते हैं बी पे। अब बी से हम कहाँ जा सकते हैं? हाँ जी बी, देखिए बी है आपके पास, ये बी से आप जा सकते हो एफ, एफ से डी जा सकते हो आप, देखिए डन। एफ से हम कहाँ जा सकते हैं? डी पे। और डी के बाद में हम यहाँ से कहाँ पे जा सकते हैं? डी से हम जाएंगे ई पे। देखो ये जो है डी और ई का जो रास्ता है वो टू वे है, ठीक है, दैट मीन्स कि डी से हम कहाँ जाएंगे? ई पे जाएंगे, क्लियर। और ई से कहाँ जा सकते हैं हम? सीधा सी पे, ये बात है अपने पास में। अब क्वेश्चन क्या है आपके पास, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन नीड नॉट बी पास्ड थ्रू, कौन सा स्टेशन नहीं पास करना पड़ेगा? तो ये देखो ई, ई तो आ रहा है, ठीक है, डी, डी भी आ रहा है, ए, ए नहीं आ रहा बीच में, दैट मीन्स कि ए को पास नहीं करना पड़ेगा, बी भी आ रहा है। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। यस क्लियर है? हाँ जी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के अगर कोई भी सिंपल पजल आती है देन कर लेंगे हम। यस आई होप सभी डेफिनेटली कर लेंगे। अगर ज़्यादा प्रैक्टिस की, अगर आपको लग रहा है कि प्रैक्टिस की जरूरत है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर गिवन, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट पजल है, क्या है देखते हैं। कह रहा है इन ए ग्रुप ऑफ सिक्स वोमैन देर आर फोर टेनिस प्लेयर, चार अपने पास में टेनिस प्लेयर है, फोर पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशियोलॉजी, दैट मीन्स कि हमारे पास में क्या है, एक तो वुमेन्स हैं, वुमेन के बाद में उनका गेम है, गेम के बाद में अपने पास में और क्या है कि वो पोस्ट ग्रेजुएट है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सोशियोलॉजी, ठीक है, एंड इन कॉमर्स, एक कॉमर्स के अंदर, एंड थ्री आर बैंक एम्प्लॉयज, दैट मीन्स कि एक हमारे पास में ऑप्शन क्या है कि एम्प्लॉयज है। डन। तो अपने पास में आगे इन्फॉर्मेशन को रीड करने से पहले हम टेबल बना लेते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को टेबल के अंदर पुट करते हुए चलेंगे। तो क्या क्या अपने पास में इन्फॉर्मेशन आएगी, कि एक तो अपने पास में आ जाएगा सीधा नेम, यस, क्या आ जाएगा आपके पास में, नेम आ जाएगा। डन। उसके बाद में हमारे पास में क्या आ जाएगा कि उनके पास में जो गेम है, कौन कौन से गेम उनको पसंद है, उसके बाद में क्या है कि वो एम्प्लॉयड है या नहीं है, और उसके बाद में क्या है अपने पास में कि किस सब्जेक्ट के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट है। डन। अब देखिए आगे सिक्स वोमेन है, तो सिक्स वोमेन के लिए अभी हम लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब आगे देखो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन गिवन है वैसे वैसे हम पुट करते हुए चलेंगे। क्या है इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखिए, विमला एंड कमला आर बैंक एम्प्लॉयज, विमला, यस, विमला एंड कमला, यस, एक सेकेंड थोड़ा टेबल बना लेते हैं हम। विमला एंड कमला आर बैंक एम्प्लॉयड, ये क्या है, बैंक एम्प्लॉयड है दोनों, ठीक है, विमला एंड कमला आर बैंक एम्प्लॉयड वाइल अमाला एंड कोमाला आर अनएम्प्लॉयड, ठीक है, अमाला एंड
कोमाला। अब देखो यहाँ पे थोड़े नाम कंफ्यूजिंग है और पजल में कुछ भी नहीं है, सारे नाम एक जैसे हैं, तो थोड़ा सा नाम पे ध्यान दे के चलना है आपने। क्या करें, अमाला एंड कोमाला आर अनएम्प्लॉयड, दीज आर अनएम्प्लॉयड। डन। आगे है आपके पास कोमाला एंड निर्माला आर अमंग टेनिस प्लेयर्स। कोमाला ये है आपके पास में, कोमाला एंड निर्माला, निर्माला और लिख लेते हैं हम, दीज आर अमंग टेनिस प्लेयर। यहाँ पे इनकी गेम गिवन है आपके पास में, दीज आर टेनिस प्लेयर। अमाला, कमला, कोमला, देखो अमाला ये है हमने हमारे पास में, कमला ये है, अमाला, कमला, कोमाला, कोमाला ये है, ठीक है, एंड निर्मला, एक ये निर्मला है, ठीक है। क्या कह रहा है कि दीज आर पोस्ट ग्रेजुएट इन, पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशियोलॉजी। तो ये चारों किस्में हैं सोशियोलॉजी के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट है। डन। ओके, आगे क्या गिवन है आपके पास में, सोशियोलॉजी ऑफ हुम टू आर बैंक एम्प्लॉयड। कह रहा है कि इनके अंदर से दो बैंक एम्प्लॉयड हैं, दो बैंक एम्प्लॉयड हैं। तो एक तो देखो इसका तो नाम था नहीं, एक तो बैंक एम्प्लॉयड ये हो गया, अब दूसरी बैंक एम्प्लॉय कौन होगी, ये दोनों तो अनएम्प्लॉयड हैं, दैट मीन्स कि दिस इज बैंक एम्प्लॉयड। हाँ जी, पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ श्यामला इज पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, श्यामला इज पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, कॉमर्स के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज बोथ टेनिस प्लेयर एंड बैंक एम्प्लॉय। अब कह रहा है कि बैंक एम्प्लॉय और टेनिस प्लेयर कौन है, तो इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन गिवन है आपके पास में, तो देखो बैंक एम्प्लॉय और टेनिस प्लेयर, तो ये हमने देखा ये निर्मला जो थी ये टेनिस प्लेयर भी आ रही थी हमारे पास में और बैंक एम्प्लॉय भी आ रही, दैट मीन्स व्हाट इज द आंसर, निर्मला इज द करेक्ट आंसर, निर्मला इज बोथ द टेनिस प्लेयर एंड बैंक एम्प्लॉय। ओके, देखो यही बना है हमारे पास में, साफ साफ आ गया देखो, तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ रहा है कि निर्मला क्या है, टेनिस प्लेयर भी और बैंक एम्प्लॉय भी है, तो ये अपने पास में आंसर आ जाएगा निर्मला। ओके, क्लियर, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, किसी को कोई भी डाउट हो इसके अंदर, आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया। क्या करना है, सिंपल टेबल बनाते हुए चला करो आप, जैसा मर्जी क्वेश्चन हो जाए। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन था, इसके अलावा आपके पास में दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तीन क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एक सिंगल पजल के ऊपर आपके पास फाइव क्वेश्चन भी एग्जाम में हो सकते हैं। ओके, यस, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज, फोर टेस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी आर कंडक्टेड ऑन फोर कंसेक्यूटिव डेज, कंसेक्यूटिव डेज पे उनको प्ले किया गया है, ठीक है ना, इन द सेम ऑर्डर। अब देखो, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, दैट मीन्स कि डेज तो कंसेक्यूटिव है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि चार दिन में खेले गए, वन टू एंड थ्री एंड फोर, फोर डेज के अंदर फोर गेम्स प्ले करे गए, ठीक है। आगे क्या है, हाँ जी, फोर डेज के अंदर फोर टेस्ट्स हैं आपके पास, कौन कौन से टेस्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। नाउ गिवन दैट द फिजिक्स टेस्ट इज हेल्ड बिफोर द टेस्ट विच इज कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी, देखो ध्यान से समझेंगे, कह रहा है कि फिजिक्स टेस्ट इज हेल्ड बिफोर, किससे पहले है, बिफोर द टेस्ट विच इज कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी, जो कि बायोलॉजी के बाद में कंडक्ट हुआ है, बायोलॉजी के बाद में यहां पे कोई टेस्ट कंडक्ट हुआ है, कह रहा है कि इससे पहले है। हाँ जी, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, देखो ये लाइन समझ आ गई, देखो क्या कह रहा है, द फिजिक्स टेस्ट इज हेल्ड बिफोर द टेस्ट विच इज कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी, जो कि बायोलॉजी के बाद में, तो जो बायोलॉजी के बाद में, तो ये उससे पहले ही हो गया। डन। बट अभी हमें नहीं पता कि हाँ जी पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा, ये आगे पीछे कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। आगे क्या गिवन है आपके पास, कह रहा है केमिस्ट्री इज कंडक्टेड एग्जैक्टली आफ्टर टू टेस्ट्स आर हेल्ड, केमिस्ट्री का है दो टेस्ट के बाद में, दैट मींस कि यहां से मुझे सीरियल मिल गया कि पहले नंबर पे, दूसरे टेस्ट नंबर पे दो टेस्ट हो चुके, अब तीसरे नंबर पे कौन सा टेस्ट आ रहा है, केमिस्ट्री का टेस्ट आ रहा है। ओके, अब ये तीनों मैंने पुट करने हैं, तीनों कैसे पुट करेंगे, अब हम सिंपल सी बात है, ये दोनों तो आगे ही आएंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, फिजिक्स, ठीक है जी,
और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बायोलॉजी, और जो तीसरा जो यहाँ पे आना था वो जो सब्जेक्ट रिमेनिंग है वो वाला सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब कौन सा सब्जेक्ट रिमेनिंग है, यहाँ पे हमारे पास में सब्जेक्ट कौन सा है, मैथमेटिक्स रिमेनिंग है, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स आ जाएगा। ओके क्लियर, हाँ जी। अब क्वेश्चन क्या है, विच इज द टेस्ट, विच इज द लास्ट टेस्ट हेल्ड, लास्ट में कौन सा टेस्ट हुआ है, तो लास्ट में कौन सा टेस्ट हुआ है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कौन सा हुआ है, मैथमेटिक्स, सो आंसर विल बी मैथमेटिक्स। हाँ जी क्लियर। सो आई होप जो भी मैंने अभी आज आप लोगों को पजल्स करवाई है सभी आपको अच्छे से क्लियर होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। वीडियो को अगर आपको लगता है दिस इज़ हेल्पफुल, क्योंकि अभी मैं सारी पजल्स आप लोगों को करवाने वाली हूँ, 2016 के हम कर चुके हैं, 17 देन 18 19 20 सभी पजल्स हम सोल्व करेंगे विद इन ए वेरी ईजी वे। आपने देखा होगा बिल्कुल आराम से मैं एक एक पॉइंट को समझाते हुए आपको पजल्स करवा रही हूँ, सो दैट कि पजल्स आप एग्जाम में बिल्कुल आराम से कर सको, आपको कोई भी डाउट ना रहे पजल्स के अंदर। और पजल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी को पता है, तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है आप लोगों के लिए तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करेंगे। ओके, सो इट वॉज ऑल फॉर टूडे, थैंक यू सो मच।